आज मैं एक आपको ऐसी कहानी बताने के लिए जा रही हूँ, वो आगे जाके आपको एक लेसन होगा, ठीक है। लेसन है ये, ईदगाह करके एक स्टोरी है, ईदगाह है। इसका मॉरल जो है बहुत अच्छा है, आपको अंत में समझ आएगा, ठीक है। 30 दिनों के बाद, एक 30 दिन उपवास रहने के बाद, उसके बाद एक रमज़ान करके ईद आता है, जो ज़्यादातर इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक ईदगाह यानी कि रमज़ान था। रमज़ान के महीने में 30 दिन होने के बाद रमज़ान मनाया जाता है, और यहाँ पे इतना खुशहाली फैली हुई थी वहाँ, ये एक क्या कहते हैं आप लोग, बहुत सारी खुशियाँ फैली हुई थी, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही थी, और जैसे मानो कि एक सूरज नया सा सुंदर सा प्रकृति पर छाया है, ऐसा लग रहा था। उसके बाद सब तरफ खुशियाँ, एक दूसरे को अच्छा किलकारी गूंज रही थी, एक दूसरे की किलकारी गली मोहल्ले में गूंज रही थी। और क्या होता है यहाँ पे, छोटे बच्चे जो है, लड़के जो है, वो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि वो ईदगाह जाने वाले थे। ईदगाह मतलब क्या है, जहाँ पे आप नमाज़ अदा करने के लिए जाते हो ना, उसे हम ईदगाह कहते हैं। भगवान मंदिर मस्जिद को, भगवान के मस्जिद को ईदगाह भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाने के लिए सब लोग सज्ज हो रहे थे, और मोहम्मद और एक मौसून करके दो लड़के हैं, उनके पास इतने हैं कि एक के पास 13 रुपए हैं, एक के पास 13 पैसे हैं, एक के पास 14-15 पैसे हैं। तो दोनों वो इतने पैसे देखकर इतनी खुशी हो गई थी कि वो उछल कूद कर रहे थे और बार बार गिनती कर रहे थे अपने पैसों की। तो वो होने के बाद वो सोच रहे थे कि इससे हम क्या क्या खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, हमारे जैसे अमीर कोई भी नहीं है आज, ऐसे उनको आज फील हो रहा था। तो वो क्या करते हैं, वो जो पैसे गिनते थे और जेब में रखते थे, उसी तरह एक 4 साल का लड़का, छोटा सा लड़का था, और उसके माँ बाप नहीं थे, उसके माँ बाप नहीं थे, और वो अपने दादी के साथ रहता था। दादी के साथ रहता था तो क्या होता है, दादी भी बहुत बूढ़ी थी, उसका भी एज हो गया था, वो अमीना करके वो दादी का नाम था। और वो दादी ने उसको क्या बताया था कि बच्चे को क्या बताया था कि हमीद को, कि तेरे बाबा जो है वो हज गए हैं, और वहाँ से बहुत सारे रुपए लेने के लिए गए हैं करके वो उसने कह दिया था। और आपकी मम्मी जो है, आपकी मम्मी भगवान के पास गई है, और वहाँ से बहुत सारे सामान लेकर आने के लिए, खिलौने लाने के लिए गई है करके वो उसकी दादी ने हमीद को कह दिया। तो हमीद बहुत प्रसन्न था, उसको पता नहीं था कि उसके माँ बाप आने वाले नहीं हैं, लेकिन उसके बाबा मर गए थे और वो अकेला बच्चा था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक अमीना उतनी, उसकी दादी उतनी ही थी, वो भी बूढ़ी थी। तो ये सभी बातें हमीद को पता नहीं था। हमीद तो बहुत प्रसन्न था, खुश था वो, उसको लग रहा था कि मम्मी पापा आएंगे और इतना खिले उन्हें पैसे लेके आएंगे तो हम इससे जोर ईद मना सकते हैं। लेकिन अस्तित्व जब रियलिटी में वास्तविकता और कुछ ही थी। तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी अभी ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं, हमीद भी निकल पड़ता है, हमीद एक छोटा बच्चा है वो भी निकल पड़ता है। लेकिन दादी क्या सोचती है, हमीद इतना छोटा लड़का है, हमीद इतना छोटा 4 साल का लड़का है, और ये ईदगाह जा रहा है, कहीं गुम हो गया तो क्या करना करके वो सोचती है। लेकिन एक तरफ और भी सोचती है कि ईद आई है, घर में ना कुछ एक दाना है, ना पानी है, खाने के लिए कुछ पकाने के लिए कुछ भी नहीं है करके वो सोचती है। और उसके जेब में, उसके पैकेट में सिर्फ 7 या 8 रुपए रहते हैं, या 4 या 5 पैसे रहते हैं। तो वो क्या करती है, हमीद ईदगाह जाने वाला था ना, तो वो छोटा बच्चा है करके अपने पैकेट में से वो 4 रुपए या 3
3 रुपये निकाल कर हमीद को दे देती है ताकि वो वहाँ से कुछ खा ले या मज़ा करके आए। इसीलिए तो हमीद क्या करता है, जाता है, जाने पर वहाँ पे उसको बस में चढ़ता है तो उसको चारों तरफ गार्डन वगैरह यानी कि रोमांचक चित्र देखने के लिए मिलते हैं जो मन को उसको भाते हैं, और चारों तरफ स्कूल, कॉलेज, अदालत और गार्डन वगैरह दिखते हैं, उसको मन प्रसन्न होता है। उसके बाद ईदगाह जाते हैं, ईदगाह जाने के बाद एक ही साथ सब लोग नमाज़ अदा करते हैं, एक ही साथ उठकर सब ख़त्म कर कर वो ठेले पे आते हैं, ठेले पे यानी कि हट पे आते हैं। हट पे आने पर बहुत सारे दुकानें लगे हुए रहती हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ की दुकान, खिलौनों की दुकान, बहुत सारे दुकान वगैरह रहते हैं। वो देखने के बाद उस छोटे बच्चे का मन ललचा जाता है और वहाँ उसको खा यानी कि मुंह में पानी छोड़ता है मिठाई का दुकान देखकर और खिलौनों का दुकान देखकर उसके मन में ललचा आ जाती है और वो ख़रीदना चाहता था लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, मिठाई तो है कभी ना कभी तो खाने के लिए मिलेगी, अभी तो नहीं खाना है, शायद वो खट्टी होंगी इसीलिए मुझे नहीं खाना चाहिए करके सोचता है। उसके बाद जो है उसके आगे आता है तो वो मिट्टियों से बने बहुत सारे खिलौने रहते हैं, उसको देखकर वो बहुत खुश होता है और लेने के लिए मन में सोचता है कितनी सुंदर मिट्टियों के खिलौने हैं करके। फिर बाद में एक बार फिर से सोचता है कि मिट्टी के तो ही खिलौने हैं, इसे लेकर मैं क्या करूँगा, एक बार ऊपर से नीचे गिर गए तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, इससे अच्छा है मैं इसे ना ही लो करके ऐसे सोचता है। इसके बाद आता है आगे आगे आते आते क्या देखता है, देखिए फिर सोचने लगता है कि आज उसको एक लोहे की दुकान मिलती है, लोहे के जो सामान बनाए हुए रखते हैं हार्डवेयर की दुकान, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे रुककर देखता है कि क्या अच्छा दिखेगा, क्या अच्छा लगेगा मुझे घर के ले जाने के लिए, ऐसा कुछ क्या चाहिए करके। तो क्या करता है वो जो क्या बोलते शीख ले लेता है वो उल्तन ले लेता है और सीख लेने पर घर वापस आता है। घर वापस आने पर उसकी दादी कहती हैं कि ईदगाह गए थे, क्या लेके आए, क्या लाए हो खिलौने तुम्हारे लिए करके पूछता है। तो कहता है कि माँ अम्मा मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, सीख लाया हूँ, तो जब भी रोटी बनाती हो तुम्हारे हाथ जलते हैं ना, इसीलिए मैं 3 पैसे देकर यहाँ पे एक सीख लाया हूँ। तो जब वो सुनने के बाद उसके दादी के आंखें भर आते हैं और वो कहने लगती हैं इतना छोटा बच्चा रहकर इतना बड़ा विचार करता है, पाप इसने खुद के लिए कुछ नहीं ख़रीदा, मेरे लिए सोचा और मेरे लिए एक सीख लेके आया, जो भी मेरे हाथ जलते हैं करके, वो जब रोटियां बनाती हूँ तो मेरे हाथ जलते हैं करके इसने मेरे लिए एक सीख लाया है करके उसको दादी को बहुत प्रसन्नता, वो रो पड़ती है, बच्चे को गले लगा कर रो पड़ती है। तो हाँ, अपनी आशाओं का ख्याल नहीं रखा उसने, दूसरों के प्यार का यानी कि दूसरों का ख्याल रखा, इसीलिए कहते हैं कि अपने से ज़्यादा दूसरों का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या है, ये ख़रीदने के बाद वो अपनी अम्मा दादी को तो दे दिया, अम्मा दादी इतनी खुश हो गई कि वो अपने लफ्ज़ों में अपना फीलिंग्स क्या बोलते हैं अपने फीलिंग्स वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी, जो उसको भास यानी कि फील हो रहा था वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी। यहाँ इतना छोटा सा लड़का इतना बड़ी बात सोच सकता है तो आप क्यों नहीं। तो हर एक व्यक्ति के पीछे एक कोई ना कोई खासियत छुपी रहती है, उसको सही वक्त पर सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आज के लिए ये कहानी आपको मोटिवेट करता है, समझती हूँ, धन्यवाद।